नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा एक मूर्ख इंसान केवल 10 से 20 दिन जिम करने जाता है और फिर क्या, वो बाहर आता है तो उसका मित्र बोलता है, अरे भाई तुम तो बॉडी बिल्डर हो गए हो, तुम्हें एक मुक्के में कुछ नहीं होगा। और दोस्तों वो अनपढ़ इंसान इतना खुश हो जाता है ना, वो आपको मौका दे देगा, ठीक है तुम मुझे 10 मुक्के मारो, बदले में तुम्हें हम एक मारेंगे। और बड़ी बात तो यह है, अगर कोई उस इंसान को 10 मुक्के मारता है कहीं पे तो उसके अंदर दर्द होता है, यानी कि दोस्तों केवल 15-20 दिन वो जिम किया रहता है मान लेते हैं, तो उसके अंदर दर्द तो दर्द होगा ही, लेकिन वो फिर भी हंसता है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और दोस्तों उसे अंत में खूब धुलाई लग जाता है। कहने वाली बात तो यह है, सेम सिचुएशन आज चाइना का हुआ है। चीन पिछले एक साल से बोला था कि हिंदुस्तानियों, भारतवासियों, तुम कितना भी बायकट कर लो, बायकट चाइना, हमें कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, हम पूरे दुनिया में कम से कम 2.5 ट्रिलियन दोस्तों, कितना 2.5 ट्रिलियन डॉलर का सामान हम केवल एक्सपोर्ट करते, केवल हम निर्यात करते हैं। सिंपल सी बात करते हो, जितना भारत का GDP है दोस्तों, लगभग उतना ही चीन सामान दुनिया को केवल बेचता है। तो चीन बोलता था कि भारत हमसे सामान ना भी लेता भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस दिन अपने पुधर गए ना, तो भारत को हम बर्बाद कर देंगे, भारत को तबाह कर देंगे, हमें बायकॉट चना से मत धमकाओ, हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों चीन इस तरह की बातें लिख रहा था, और यहाँ तक बोला था कि भारत के लोग हम पे निर्भर हो चुका है, हम पे डिपेंड हो चुका है, हमारे बिना वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के लोग गरीब है, उसे सस्ते सामान लेने का आदत हो गया है, वो महंगा सामान खरीद नहीं पाएगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों इस तरह की बातें किया करता था, लेकिन पहली बार चाइना बुरी तरह से रोया है, भारत सामने में हाथ फैलाया है, माफी मांगा है, बोल दिया कि भाई हमने जो गलती किया माफ कर दो, चलो अब फिर से नया दौर शुरू कर दो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, चीन का आकर ढीला पड़ गया है। आप लोग जानते हैं जब से गलवान घाटी हुआ, हमने चीन का दोस्तों तमाम कंपनी को बाहर करने का फैसला लिया, इतना ही नहीं चीनी मोबाइल बायकॉट करने का भी नारा दिया, और चीन ने हमें बार बार हम पे केवल हंसा ही, यहाँ तक कि हम लोग रक्षाबंधन ने बोला कि हम चीन से कोई भी राखी नहीं खरीदेंगे, कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। दोस्तों चीन बोला कि हमें 5,000 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं है, हमें क्या होगा। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा था, दिवाली आया और दिवाली में दोस्तों कम से कम चीन को 60 से लेकर 70 हज़ार करोड़ का नुकसान पहुंचा है। अब सोचिए तो केवल एक साल में चीन को कम से कम 80 से लेकर 90 हज़ार करोड़ का नुकसान हो चुका है, वो भी भारत से। अब चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। दोस्तों ये जो चाहे दिवाली का सामान हो या फिर राखी का सामान हो या फिर किसी भी मौसम में, चाहे गणेश चतुर्थी हो, दोस्तों जो भी सामान चीन ने बनाया ना, वो केवल भारत के लिए बनाया, ये ऐसा सामान है ना दिवाली का सामान, वो कोई और खरीद नहीं सकता है, यानी कि पाकिस्तान का भी दिवाली का सामान ले ही नहीं पाएगा, चीन कहीं बेच ही नहीं पाएगा। सिंपल बात कहते हो, चीन को अब तक कम से कम 80 से लेकर 90 हज़ार करोड़ का सामान बर्बाद हो जाएगा, ना भारत खरीदा तो कौन खरीदेगा, वो तो सरेगा ना, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जी का मूर्ति पाकिस्तान क्यों खरीदेगा, दुनिया क्यों खरीदेगा, खरीदेंगे हम ही लोग ना, और हम लोगों ने बहिष्कार कर दिए हैं। चीन पूरी तरह से रो रहा है, बौखला गया है, और चीन ने भारत से माफ़ी मांगा है, और चीन ने कहा है कि हमने जो गलती किया उसका फल हमें मिल चुका है, अब तक कम से कम भारत सरकार हमें माफ़ कर। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है और चीन क्यों पहली बार घुटना टेक दिया, आखिरकार चीन ने कहा क्या है आप लोग जानिए। आपने एक कहानी पढ़ा होगा, एकता में बल होता है, एक किसान था, उसके पास 4 पुत्र था, आपस में लड़ता था, लेकिन अंत में उसे समझाया गया, देखो भाई 4 लकड़ी सामने रहेगा तो कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा, अकेला अकेला कभी तुम्हें तोड़ देगा। दोस्तों यही चीज भारत में हुआ है, आज से महज 5 साल पहले भारत में एकता बिल्कुल नहीं था, कुछ लोग बोला था भाई हम चीन से सामान लेंगे, कोई बोला था हम अमेरिका से खरीदेंगे, हमें कोई मना करने वाला होता कौन है, लेकिन दोस्तों पहली बार 2018 के बाद भारत में बहुत बड़ा एकता देखने को मिला है, वो भी चीन के खिलाफ बायकॉट चाइना नारा चढ़ा है, और यही कारण है कि आज भारत के कोने कोने में जन जन तक एक ही नारा है, वह चीन को बहिष्कार को, चाहे दोस्तों गरीब लोग हो या फिर अमीर लोग हो, सब निस्वार्थ बोलता है, चाहे हमारा व्यापार चौपट हो जाए, चाहे हम लोग 4 समय बिना चीनी सामान के चलेंगे, बिना मोबाइल के चलेंगे, लेकिन चीन को बहिष्कार करो। दोस्तों पता कारण क्या है, वो है एकता, और एकता में बल होता है। और बड़ी बात तो यह है, चीन को लग रहा है कि इंडिया तो अभी केवल इतना ही बहिष्कार किया है, अगर समय बीतता चला गया और 2025 तक पूरी तरह से हमें बायकॉट कर दे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों इसलिए चीन ने इस तरह का बयान दिया है। आप बोलेंगे भाई चाइना
बर्बाद हो सकता है फ्यूचर में। अभी तो हम लोग 100 बिलियन डॉलर का, कितना 100 बिलियन डॉलर का व्यापार चीन से इस साल किया हम लोग, तो आखिरकार हमारा बायकॉट चाइना मुहिम तो खत्म हो गया, हम लोग सफल हुए नहीं, आखिरकार हम लोग किस बायकॉट मुहिम की बात कर रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से 2016 से लेकर 2019 तक चीन का जो रफ्तार है ना वो बहुत ही हाई था, चीन हाई रफ्तार से भारत में सामान डंप कर रहा था, सामान गिरा रहा था, अगर उसी रफ्तार से चलता आता तो आज भारत चीन के बीच में कम से कम 150 बिलियन डॉलर का व्यापार होता, कितना 150 बिलियन डॉलर का आज व्यापार होता। लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से चीन पे ब्रेक लगा दिया है और यही कारण है कि चीन भारत के व्यापार थोड़ा थोड़ा ब्रेक मारना शुरू कर दिए हैं और यही कारण है कि 100 बिलियन डॉलर पे अभी तक हम लोग उसके अटका दिए हैं। और बड़ी बात तो यह है अब जब व्यापार हो रहा है ना दोस्तों, अब हम लोग चीन को सामान ज़्यादा भेज रहे हैं, पहले कितना भेजते थे मान लीजिए पहले 100 में से 17% हम लोग सामान चीन को भेजते थे, बाकी चीन हमें दोस्तों कम से कम 83% सामान भारत में डंप करता था, कह सकते कि हम लोग को 83% नुकसान होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग 17% से बढ़ा के कम से कम 25 से लेके 30% पे जा रहे हैं। सिंपल से बात करें तो अब चीन को केवल 70% फायदा होगा, भारत को 30% अब फायदा होगा। और दोस्तों भारत 17 से 30 पे आया है तो बहुत जल्द 30 से 50% पे आ जाएगा और देखेंगे भविष्य में 50% चीन 50% भारत, यानी कि दोनों का जो व्यापार का संबंध है दोस्तों वो बराबर हो जाएगा 2030 तक। और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे ना तो चीन को नुकसान होगा और ना ही भारत को, और हम लोग तो यही चाह रहे थे। दोस्तों अब चीन के ओर से कहा गया है कि अरे भाई कब तक ये बायकॉट नारा लगाते रहोगे, अब तो कम से कम ख़त्म करो। भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से हम लोग नया दौर शुरू करेंगे, हम लोग दो पड़ोसी हैं, हमारा कल्चर महान है, हम लोग व्यापार रोक ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आप ये बायकॉट का नारा है वो बंद करो और हमको फ्री करो और भारत सरकार RCEP ज्वाइन करे। RCEP ज्वाइन करेगा तो हमें फ़ायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। भारत से फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, चीन ने पहली बार कहा है कि भारत से हम शांति के साथ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है चीन यहाँ पे फिर से चालाकी किया है दोस्तों, चीन यहाँ पे व्यापार की बात तो कर रहा है लेकिन ये बात नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को कभी भी साथ नहीं देंगे। दोस्तों यही चाइना पाकिस्तान को साथ देता है, हर मंच पे बचाता है, आतंकवादी पलता है, इतना ही नहीं सीमा पे हमेशा एग्रेशन करता है, हमें आँख दिखाता है। चीन को दोस्तों अब की बार औकात दिखा देना है, 100 बिलियन डॉलर का व्यापार क्या, अगर हम लोग भविष्य में 150 बिलियन डॉलर का व्यापार करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों अब शेयर बढ़ने वाला है। सिंपल से बात करें तो हम लोग अधिक सामान अब बेचने का प्रयास करेंगे और चीन से कम सामान खरीदने का प्रयास करेंगे। दोस्तों व्यापार चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग चीन पर अब हावी होना चाहते हैं, इसीलिए चीन को डर लग रहा है, अब शांति की बात वो कह रहा है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भारत में जो आज यूनिटी है ना, इसी यूनिटी से चीन आज परेशान है, पगला गया, उसे लग रहा है कि एक दिवाली में एक साल में हमें 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, अगर 20 साल चला जाए तो कम से कम 15 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हमें हो जाएगा, 20-25 साल में तो हमें 20 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर एक साल में 80 से लेकर 90 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ तो अगर इसी रफ्तार से नुकसान चीन का होता रहा तो 20 साल में कम से कम 18 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान चीन का होगा और चीन इसीलिए परेशान है, चीन बौखला रहा है।